हेलो स्टूडेंट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू आर फोर्थ इंग्लिश ग्रामर क्लास टुडे इन इंग्लिश ग्रामर क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द टॉपिक एडजेक्टिव्स सो बेटा एडजेक्टिव्स जो हमने पढ़े थे उनके ऊपर यहाँ पे एक्सरसाइज है सो वी हैव टॉक्ट अबाउट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिसिव एडजेक्टिव तो आज हम उसी का जो वर्क है पेज नंबर नाइनटीन पे उसको कंप्लीट कर रहे हैं पहले सो चूज द डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स तो आपने क्या करना है जो ये ब्रैकेट में डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव गिवन है जैसे यहाँ पर दीज एंड दिस गिवन है फर्स्ट में तो उनमें से आपको चूज करना है करेक्ट करेक्ट एडजेक्टिव और उसे फिल करना है सो so, फर्स्ट है दिस बिल्डिंग इज़ द हमटम कोर्ट पैलेस अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बेटा हमारा बिल्डिंग आया है तो बिल्डिंग के लिए हम कौन सा डेमोस्ट्रेटिव एब्जेक्टिव यूज़ करेंगे ये yes, दिस का हम यूज़ करेंगे क्योंकि दिस को हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं जबकि दिस को हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और बिल्डिंग हमारा यहाँ पर सिंगुलर है सो दिस बिल्डिंग इज़ द हमटम कोर्ट पैलेस सेकेंड है फ्यूरियस लाइन्स लिव इन ब्लैंक फॉरेस्ट अब यहाँ पर अगेन हम आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा फॉरेस्ट है जो कि सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम डेट का यूज़ करेंगे दैट फॉरेस्ट थर्ड देखते हैं ब्लैंक राइटिंग्स आर माइंड सो यहाँ पर राइटिंग्स हैं तो ये प्लूरल है अगेन हमें दिस और दिस में से चूज करना था तो हम दिस को चूज़ करेंगे क्योंकि जो दिस है ये हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है और राइटिंग यहां पर हमारा राइटिंग्स प्लूरल है नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वट इज इन ब्लैंक बैग्स तो यहां पर आपने डेट और दीस में से यूज करना है तो हमारे पास बैग्स है तो हम प्लूरल वाला ही यूज करेंगे तो यहां पर आप दीस लिखेंगे दीस बैग्स फिफ्थ है आर दो स्केचिस यूज़ तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्केचिज़ है तो ये अगेन हमारा प्लूरल है तो यहाँ पर हमें दैट और दोस्त में से चूज़ करना है तो दैट हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं दोस्त हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं जबकि यहाँ पर हमारे पास स्केचिज़ है तो जो कि प्लूरल है नेक्स्ट देखते हैं बेटा बी पार्ट रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद पजेसिव एडजेक्टिव जो नीचे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं आपको इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव से चेंज करना है वन हैज़ बिन डन फॉर यू इनमें से आपके लिए एक किया गया है सो so फर्स्ट अगर आप देखेंगे मिस्टर पोल्स आर्टिकल रिसिव्ड क्रिटिसिज्म कि मिस्टर पोल का जो आर्टिकल है उसे क्रिटिसिज्म मिला तो यहाँ पे जो मिस्टर पोल है ये अंडरलाइंड है सो मिस्टर पोल्स आर्टिकल है तो यहाँ पर अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे तो पजेशन को शो करने के लिए हम हिज यहाँ पर लिखेंगे हिज आर्टिकल उसका आर्टिकल सो यहाँ पर आप हिज आर्टिकल रिसिव्ड क्रिटिसिज्म लिखेंगे सेकेंड है द स्टूडेंट्स आंसर स्क्रिप्ट वर्स चेक की जो स्टूडेंट्स थे उनकी जो आंसर स्क्रिप्ट्स हैं उनको चेक किया गया तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स हैं अगेन हमारा प्लूरल है सो so यहाँ लिखेंगे हम स्टूडेंट्स की दस स्टूडेंट्स की जगह देअर देयर आंसर स्क्रिप्ट वर चेक क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल हैं इसके बाद बेटा देखते हैं नेक्स्ट सी इज़ द क्वींस एनिमी सैड मैरिज सो सी इज़ हर एनिमी अब यहाँ पे क्वींस हैं तो क्वींस की जगह पे हम क्या लगा देंगे हर लगा देंगे हर एनिमी सैड मैरी नेक्स्ट है द बुक्स पेज केम ऑफ सो बुक्स है बुक्स के लिए हम इट का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पर इट्स पेजेस केम ऑफ नेक्स्ट देखते हैं सी इज़निजास यहाँ पे जब है तो यहाँ पर आप हर का यूज़ कर देंगे तो यहाँ पर सी इज़ हर कजिन आगे देखते हैं बेटा जो हमारा नेक्स्ट आज का टॉपिक है वो है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव सो रीड वट दीज पीपल आर टॉकिंग अबाउट हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ये जो पीपल हैं क्या क्या बातें कर रहे हैं हाउ मनी चिल्ड्रेन टू पार्ट इन द साइलिंग रेस कितने बच्चों ने साइकिलिंग रेस में पार्ट किया देर आर नाइन्टी स्टूडेंट्स इन all। यहाँ नाइंटी स्टूडेंट्स थे दैट इज बिग नंबर यह एक अच्छा नंबर है That means कि अच्छी स्ट्रेंथ है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्होंने यस बट ट्वेंटी चिल्ड्रन ड्रॉप आउट इन द मिडल ऑफ द रेस हाँ लेकिन जो ट्वेंटी चिल्ड्रन है वो रेस में बीच में ही ड्रॉप आउट कर गए हु रेस रेस किसने जीती तो श्रुति from Greenfield School stood first and Akhil from our school came second. So here in if you will check, we have used cardinal and ordinal numbers. So, जो भी हमारे जो numbers होते हैं cardinal and ordinal जो हमारे किसी को भी एक sequence में लगाते हैं जैसे first, second, third, fourth, fifth, sixth तो वो हमारे होते हैं ordinal numbers क्योंकि वो order करते हैं फर्स्ट है रैंकिंग करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और जो हमारे कार्डिनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं जैसे हम वन टू थ्री फोर तो ये सारे हमारे क्या होते हैं कार्डिनल नंबर्स होते हैं इन द डायलॉग यू जस्ट रीड आपने जो डायलॉग अभी, अभी अभी पढ़ा है नाइन्टी एंड ट्वेंटी आर कार्डिनल नंबर्स नाइन्टी और ट्वेंटी है वो हमारे कार्डिनल नंबर्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड आर ऑर्डिनल नंबर्स और जो फर्स्ट और सेकंड है ये हमारे ऑर्डिनल नंबर्स हैं नंबर वर्ड्स सच एज़ वन टू एंड थ्री आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स तो ऐसे नंबर जैसे कि वन टू और थ्री जैसे कि हमने डिस्कस किया उन्हें हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं वी यूज़ ऑर्डिनल नंबर्स टू टेल वेयर समथिंग और सम वन इज़ इन दीरीज तो किसी भी सीरीज में हम किसी को भी बताते हैं कि वो कहाँ पे उसकी पोजीशन है कहाँ वो स्टैंड कर रहा है उसके लिए हम ओरल नंबर्स का यूज़ करते हैं इट मे बी ए लाइन और ग्रुप सो ये एक लाइन में हो सकता है ग्रुप में हो सकता है सीरीज में हो सकता है सो नंबर वर्ड सच एज फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट आर कॉल्ड ओर्टनल नंबर्स तो नंबर जैसे कि फर्स्ट सेकेंड और लास्ट है तो ये हमारे ओरल नंबर्स का लाते हैं वी से बिटवीन द हंड्रेड एंड द रेस्ट ऑफ द नंबर्स फॉर एग्जाम्पल वन हंड्रेड एंड नाइन सो हम क्या करते हैं हम एंड का यूज़ करते हैं हंड्रेड के और जो भी रेस्ट ऑफ द नंबर होगा उसके बीच पे जैसे वन हंड्रेड एंड नाइन टू हंड्रेड एंड सेवन थ्री हंड्रेड एंड फाइव तो इस प्रकार से हम इन्हें बोलना है वेन यू यूज़ औरजिनल एंड कार्डिनल नंबर्स टूगेदर जब भी आप ऑर्जिनल और कार्डनल नंबर को एक साथ यूज़ करते हैं ऑलवेज यूज़ द ऑर्डिनल फर्स्ट एज इन देंटेंस हमेशा ही जो हमारा ऑर्डिनल नंबर होगा वो हमारा पहले यूज़ होगा जैसे द फर्स्ट टू रोज़ आर फॉर स्पेशल गेस्ट जो पहले जो दो रो हैं वो स्पेशल गेस्ट के लिए हैं तो फर्स्ट टू हमने यहाँ पर देखा तो फर्स्ट हमारा क्या है ऑर्डिनल नंबर है टू हमारा क्या है कार्डिनल नंबर है तो आप इसको इसी प्रकार से करेंगे रीड द सेंटेंसेस केयरफुली इन सेंटेंसेस को आप केयरफुली पढ़ेंगे अंडरलाइन द कार्डिनल नंबर एंड सर्कल द ऑर्डिनल नंबर आप कार्डिनल नंबर को अंडरलाइन कार्डिनल नंबर को अंडरलाइन करना है और ऑर्डिनल नंबर को आपको सर्कल करना है सो so फर्स्ट में देखते हैं और प्रिंसिपल गेव अवे फाइव प्राइजेस फॉर क्लिनलीस कि हमारा जो प्रिंसिपल है उसने क्लिनलीनेस के लिए साफ़ सफ़ाई के लिए पांच नंबर प्राइजेस दिए अब यहाँ पर देखें बेटा हम फाइव है तो फाइव हमारा कैसा है यस कार्डिनल नंबर है तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे सेकेंड देखते हैं तारा वाज द लास्ट वन टू एंटर द हॉल तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो तारा वाज द लास्ट वन अब यहाँ पर लास्ट और वन आया है तो आपने देखा कि हमने ओरिजिनल नंबर को पहले यूज़ किया है कार्डिनल नंबर को बाद में यूज़ किया है तो लास्ट हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर है तो इसको आप सर्कल करेंगे वन हमारा कार्डिनल नंबर है इसको आप अंडरलाइन करेंगे थर्ड है दिस ड्रेस हैज कॉस्ट मी टू हंड्रेड एंड सेवेंटी रुपीज़ सो टू हंड्रेड एंड सेवनटी रुपीज़ जो टू हंड्रेड सेवेंटी है ये हमारा कार्डिनल नंबर यहाँ पर है इसको आप अंडरलाइन करेंगे फोर्थ है माई क्लासरूम इज़ द फोर्थ वन फ्रॉम हेयर मेरा जो क्लासरूम है वो फोर्थ वन है सो so, यहाँ पर फोर्थ और वन आए हैं तो फोर्थ हमारा ऑर्डिनल नंबर है इसको आप सर्कल करेंगे और वन हमारा कार्डिनल नंबर है इसको आप अंडरलाइन करेंगे फिफ्थ है यू आर द थर्ड पर्सन हु हैज़ कंप्लेंट अबाउट माई डॉग सो थर्ड है यहाँ पर थर्ड हमारा क्या है ऑर्डिनल नंबर है तो ये यह आप यहाँ पर इसको सर्कल करेंगे सो यू आर द थर्ड पर्सन हु हैड कंप्लेंट अबाउट माई डॉग नेक्स्ट देखते हैं देर आर थ्री हंड्रेड पीपल इन द ऑडिटोरियम सो थ्री हंड्रेड हमारा है थ्री हंड्रेड हमारा एक कार्नल नंबर है तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे नेक्स्ट ए लुक एट द टोटल मार्क्स ऑफ द टॉप फाइव स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ सो जो क्लास फोर्थ के टॉप फाइव स्टूडेंट्स हैं उनके आप मार्क्स देख रहे हैं यहाँ पे एंड कंप्लीट द पैराग्राफ और उसके बाद आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रवि फोर फिफ्टी डाइना थ्री सेवेंटी फाइव रीटा फोर एट्टी थ्री हैरी फोर ट्वेंटी टू एंड जय थ्री नाइन्टी एट तो अगर हम इसको सीक्वेंस करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो रिटा के हैं फोर हंड्रेड एट्टी थ्री रिटा के बाद अगर हम देखें तो रवि के हैं फोर हंड्रेड फिफ्टी रवि के बाद अगर हम देखें तो हैरी के हैं फोर हंड्रेड ट्वेंटी टू और हैरी के बाद अगर हम देखें तो जय के हैं थ्री हंड्रेड नाइन्टी एट और उसके बाद जो फिफ्थ पोजिशन है उस पर डीना के हैं थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन है चलिए तो अब हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं रीटा इज़ इन द फर्स्ट पोजीशन तो रीटा कौन सी पोजिशन पे है हमने देखा था रीटा के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं तो ये फर्स्ट पोजिशन पर हैं एंड रवि इज एट द सेकेंड पोजिशन अब रवि के रीटा से कम मार्क्स हैं और बाकी सभी से ज़्यादा हैं तो रवि इज एट द सेकेंड प्लेस हैरी इज़ इज द थर्ड बेस्ट स्टूडेंट्स अब हैरी के अगर हम मार्क्स देखें तो फोर हंड्रेड ट्वेंटी टू है जो कि थर्ड प्लेस पे आता है वाइल जय हैज़ अचीव द फोर्थ प्लेस जबकि जय जो है वो फोर्थ पोजिशन पे है तो जय हैज अचीव द फोर्थ प्लेस जय ने फोर्थ प्लेस अचीव किया है डाइना इज एट द फिफ्थ पोजिशन इन क्लास और जो डाइना है वो आपकी फिफ्थ पोजिशन पर है इस क्लास के अंदर सो so, आगे हम देखते हैं बेटा डिग्रीज़ ऑफ़ कंपैरिजन तो आज हम डिग्रीज़ ऑफ़ कंपैरिजन के बारे में पढ़ते हैं सो so, हमने जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये अच्छा है ये इससे अच्छा है और ये सबसे अच्छा है तो किसी भी चीज़ के बारे में जब भी हम देखते हैं तो ये अच्छा है उसका अगर हम किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो ये इससे अच्छा है और फ़ाइनल जब हम कंपैरिजन करते हैं कि जो सबसे अच्छा है उसके लिए तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर जब हम बात करते हैं गुड कि ये अच्छा है तब हम जो हमारी डिग्री है वो पॉजिटिव डिग्री होती है उसके बाद जब हम उसका किसी के साथ भी कंपैरिजन करते हैं कि ये इससे अच्छा है या ये उससे अच्छा है तो उसके अंदर हम जब बात करते हैं कि इट इज़ बेटर देन दिस और बेटर देन दैट तो वो हमारी जो डिग्री होती है उसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं एक चीज़ का दूसरी चीज़ से तो वो हमारी कहलाती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा जो हम सबसे अच्छा बताते हैं जो कि हमारा बेस्ट होता है कि वो सबसे ही अच्छा है तो वो हमारा सब सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है सबसे अच्छा तो डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन आज हम पढ़ रहे हैं डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन एज यू नो जैसे कि आप जानते हैं एडजेक्टिव आर यूज इन टू कम्पेयर क्वालिटीज ऑफ नाउ जो एडजेक्टिवस हैं हम उसको क्वालिटीज़ ऑफ नाउन को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं देर आर थ्री डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव यहाँ पर तीन डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन है एडजेक्टिव की कौन कौन सी पहले देखते हैं वेन द क्वालिटी ऑफ ए थिंग एजेटेड जब भी कोई भी चीज़ है उसकी जो क्वालिटी है उसको बताया जाता है एंड नो कम्पेरिजन इज़ बींग मेड और कोई भी कंपेरिजन नहीं किया जाता द एडजेक्टिव यूज इज़ इन द पॉजिटिव डिग्री तो एडजेक्टिव होता है वो हमारा पॉजिटिव डिग्री में होता है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्वीट दूसरा एग्जाम्पल हमने जैसे कि गुड ठीक है नेक्स्ट देखते हैं वेन द क्वालिटी ऑफ टू थिंग्स इज़ बींग कम्पेयर जब भी दो तो चीज़ों की क्वालिटी को हम कंपेयर करते हैं द एडजेक्टिव यूज़ एस इन द कंपेरेटिव डिग्री तो जो भी एडजेक्टिव हमारा यूज होता है वो हमारा कंपेरेटिव डिग्री में होता है फॉर एग्जाम्पल स्वीटर जैसे कि स्वीटर सो स्वीट हमने पॉजिटिव डिग्री में यूज़ किया था जब हम कोई भी कंपेरिजन नहीं कर रहे थे अब यहाँ पर हम स्वीटर यूज़ कर रहे हैं जब भी हम दो चीज़ों को के बारे में बात करें तो दिस एप्पल इज स्वीटर दिन यूज या माई एप्पल इज स्वीटर देन योज तो ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कंपैरिजन कर रहे हैं दो एप्पल्स के बीच में तो जब भी हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं थर्ड देखते हैं व्हेन द क्वालिटी ऑफ मोर देन टू थिंग्स इज़ बी कंपेयर जब भी हम दो चीज़ों से अधिक चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी को हम कंपेयर करते हैं द एडजेक्टिव यूज़ इन द सुपरलेटिव डिग्री तो जो भी हमारा जो एडजेक्टिव यूज़ होता है वो हम सुपरलेटिव डिग्री का, का एडजेक्टिव यूज़ करते हैं सो फॉर एग्जाम्पल स्वीट तो दिस एप्पल इज ऑल तो ये हम जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा जब हम यू बताते हैं कि ये सब में सबसे अच्छा है इज द बेस्ट तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं द कंपेरटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव कैन बी फॉर्म इन डिफरेंट वेज़ तो जो हमारी जो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की वो हम डिफरेंट तरीके से बनाते हैं लुक एट द टेबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर इस टेबल को हम देखते हैं और इन्हें हम देखते हैं हम कैसे पॉजिटिव का कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं सो पॉजिटिव कम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री सो विद मोस्ट एडजेक्टिव ज़्यादातर जो एडजटिवस होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी पॉजिटिव डिग्री है उसके अंदर हम ई आर एड करते हैं कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए और ई एस टी एड करते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं बिग बिगर बिगेस्ट तो बिग हमारा पॉजिटिव डिग्री था सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने ई आर एड किया बिगर और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमने ई एस टी एड किया बिगेस्ट इसी प्रकार से नेक्स्ट है थिक थिकर और थेस्ट और हमने जो एग्जाम्पल में स्वीट पढ़ा था तो स्वीट sweet, स्वीटर और स्वीटेस्ट तो हम जो हमारा जो पहला है विद मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव हम क्या करते हैं कि इस कंपेरेटिव बनाने के लिए हम ई आर ऐड कर देते हैं पॉजिटिव डिग्री के अंदर और सुपरिलेटिव बनाने के लिए ई एस टी का एड कर देते हैं नेक्स्ट है इफ़ एन एडजेक्टिव एंड्स विद द वोवल वाई प्लस वाई तो जब भी हमारा जो एडजेक्टिव होगा वो वोवल प्लस वाई से एड हो एंड होगा तो हम क्या करेंगे जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्रे है ग्रे में ई हमारा वोवल है और वोवल के बाद हमारा वाई आ रहा है तो उसको जब हम कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे या फिर सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम क्या करेंगे ई ER आर या ई एस टी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे सो so, ग्रे से ग्रेयर और ग्रे आगे देखते हैं इफ़ एन एडजेक्टिव एंड्स विद ई e, जब भी हमारा जो एडजेक्टिव है वो ई e से एंड होगा तो हम क्या करेंगे तो ई e भी हमारा वोवल है तो ई e से एंड होगा तो क्या करेंगे हम एड आर आर ऐड कर देंगे या और जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो एस टी एड कर देंगे तो कंपेरिटिव में हम आर ऐड कर देंगे और सुपरलेटिव में हम एस टी ऐड कर देंगे सो लार्ज यहाँ पर ई e से एंड हो रहा है वोवल हमारा ई e से एंड हो रहा है सो so लार्ज large से लार्जर और लार्जेस्ट सिंपल सिंपलर और सिंपलेस्ट नाइस नाइसर और नाइसेस्ट नेक्स्ट देखते हैं इफ़ एन एडजेक्टिव एंड विद वाई जब भी कोई एडजेक्टिव हमारा वाई से एंड होता है और उससे पहले हमारा वोवल नहीं आता है तो हम क्या करेंगे कंपेरिटिव बनाने के लिए हम वाई को रिमूव करेंगे और आई ई आर ऐड करेंगे सो रिमूव वाई एंड एड आई ई आर और सुपरलेटिव बनाने के लिए रिमूव वाई एंड एड आई ई एस टी तो सुपरलेटिव बनाने के लिए हम वाई को एड रिमूव करेंगे और ऐड करेंगे आई ई एस टी जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं बिजी बेजियर बिजिएस्ट हैप्पी हैपियर हैप्पीस्ट इजी एजियर बिजिएस्ट तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कंपेरेटिव बनाने के लिए आई ई आर का ऐड कर रहे हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए आई ई एस टी ऐड कर रहे हैं आगे देखते हैं बेटा इफ एन एडजेक्टिव एंड्स विद सिंगल विदल कॉन्सोनेंट जब भी हमारा जो एडजेक्टिव है वो सिंगल कॉन्सोनेंट से ऐड होगा जैसे एच ओ टी हॉट टी आई एच आई एन डबल द कॉन्सोनेंट एंड एड ई आर तो क्या करेंगे हम कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे और ई आर को हम ऐड कर देंगे तो हम क्या करेंगे बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे तो होट है तो हमने टी को यहाँ पर ऐड किया है और ई आर लगाया है तो होटर से होट से होटर और होटेस्ट थिन से थिनर और थिनेस्ट नेक्स्ट देखते हैं बेटा इफ एन एडजेक्टिव हैज मोर देन टू सिलेबल्स अगर एडज के अंदर हमारे मोर देन टू सिलेबल्स हैं तो हम ऐड करेंगे मोर और मोस्ट को तो यहाँ पर देखेंगे ब्यूटीफुल सो मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल तो हमने कंपेरटिव बनाने के लिए हमने ऐड किया है मोर और हमने सुपरलेटिव बनाने के लिए हमने ऐड किया है मोस्ट सो मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल डिफिकल्ट सो मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट नेक्स्ट देखते हैं सब एडजेक्टिव डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न कुछ जो एडजैक्टिवस होते हैं वो कोई भी जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करते हैं जैसे यहाँ पर हमारे पास है गुड बेटर बेस्ट तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही चेंज हो गया है मच या मैनी का मोर और मोस्ट ओल्ड का ओल्डर या एल्डर ओल्ड जो हम पुराना बोलते हैं उसके लिए हम ओल्डर यूज करते हैं और ओल्डेस्ट का यूज़ करते हैं ओल्ड जब हम बोलते हैं कि बूढ़ा तो या फिर हमसे जो ज्यादा उम्र में होता है तो ओल्ड से एल्डर और एल्डस्ट नेक्स्ट है लिटिल लिटिल से लेस और लिस्ट फार से फर्दर और फारेस्ट और फारद या फर्दरेस्ट बेड से वर्स और वर्स्ट बेटा आप इन्हें करेंगे और पे जो हमारी एक्सरसाइज है इसको करेंगे इन सेंटेंस वेन यूजेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव जब भी हम किसी में कम्पेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं किसी भी एडजेक्टिव की देन इज्ड आफ्टर देन जो है उसका हम यूज़ करते हैं के बाद में Similarly, when using the superlative degree, जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं दा इज़ यूज बिफोर द एडजेक्टिव तो हम दा का यूज़ करते हैं एडजेक्टिव से पहले जैसे फरीद इज क्वाल टाकेटिव जो फरीद है वो थोड़ा बातोनी है बट हैरी इज मोर टाकेटिव लेकिन जो हैरी है वो मोर टाकेटिव है देन फरीद फरीद से तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोर टैकेटिव हमने यूज़ किया है जो कि हमारी कंपेरेटिव डिग्री है उसके बाद हमने देन का यूज़ किया है क्योंकि इसके अंदर हम कंपेरिजन करते हैं नेक्स्ट देखते हैं कैन यू सी दैट स्टार इन द स्काई सो so, यहाँ पे दिस एंड दैट है तो स्टार को हम दिस नहीं कह सकते हम क्या यूज़ करेंगे दैट नेक्स्ट देखते हैं माय सिस्टर हैज़ द मोस्ट वंडरफुल वॉइस अब यहाँ पर क्योंकि उसकी जो वॉइस है वो सबसे अच्छी है इसलिए हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है मोस्ट वंडरफुल नेक्स्ट देखते हैं द स्काई इज़ कवर्ड विद वाइट क्लाउड्स जो स्काई है वो वाइट क्लाउड से कवर्ड है क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी कंपैरिजन नहीं यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम राइटर का यूज़ नहीं करेंगे फिफ्थ है आई वांट टू बाय बुक्स अब यहाँ पे दिस और दीज है तो बुक्स आया है हमारा तो हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे सो दीज बुक्स नेक्स्ट है आई लेफ्ट द क्लास लेट आई वॉज द लास्ट वन टू लिव सो लेटर या लास्ट सो यहाँ पर क्या आएगा लास्ट आएगा तो बेटा आप इसको कंप्लीट करेंगे और रिवाइज करेंगे थैंक यू हैव अ गुड डे अहेड